भले ही रियल एस्टेट कंपनियों के बनाए फ्लैट ना बिक रहे हों, मगर इन कंपनियों के शेयर स्टॉक बाजार में जरूरत से कहीं ज्यादा कीमत पर बिक रहे हैं, जिनके गिरने का डर लगातार बना हुआ है। पिछले एक साल में रियल एस्टेट क्षेत्र स्टॉक बाजार में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। रियल एस्टेट एक्ट 2016 यानी रेरा के लागू होने के बाद से रियल एस्टेट क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। पिछले एक साल से भारतीय स्टॉक बाजार में जो क्षेत्र सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है वो है रियल एस्टेट। नोटबंदी के बाद से ही रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग की जबरदस्त कमी देखी गई, पर रियल एस्टेट क्षेत्र के शेयर्स मांग कम होने के बावजूद ऊंचे दाम पर बिक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इन कंपनियों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 तक पहुंच गया। पीई रेशियो का 50 तक पहुंच जाने का मतलब है कि शेयर्स अपने उचित कीमत से डेढ़ गुना ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब प्रति शेयर कमाई की तुलना मौजूदा शेयर प्राइस से करना है। ज्यादा पीई रेशियो का मतलब ओवरवैल्यूएशन होता है, यानी जरूरत से ज्यादा कीमत होना, जिसके गिरने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। 1 मई 2017 से रेरा यानी रियल एस्टेट एक्ट 2016 के पूरी तरह लागू होने के बाद प्रॉपर्टी डेवलपर्स पर कानून पहले से काफी ज्यादा सख्त हो गया। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र को पहली बार एक औपचारिक रेगुलेटर तो मिला, पर इसको लागू करने से परियोजना की लागत में इजाफा, लिक्विड पैसों की कमी, परियोजना के शुरुआती दौर में ही ज्यादा पैसों की जरूरत, परियोजना पूरी करने की समय सीमा में इजाफा और पहले की परियोजनाओं को रेरा के अंतर्गत दर्ज कराने जैसी कई परेशानियां अचानक से आ गई। देश में प्रॉपर्टी डीलर्स का सेगमेंट लगभग 400 करोड़ डॉलर का है, जिसमें 5 लाख से 9 लाख के बीच प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और इन पर भी रियल एस्टेट बाजार में आई अस्थिरता का सीधा असर हुआ। सरकारी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रेंट पर लिए गए घरों की संख्या पिछले 5 साल में आधी हो गई और अभी भी देश भर में लाखों फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।